मैं साफ लफ्जों में सांबा जीडीसी कॉलेज के प्रिंसिपल को ये चेतावनी देता हूँ, अगर मेरा एक भी बच्चा इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाया, मैं पूरे के पूरे कॉलेज को बायकॉट कर दूंगा और पूरे कॉलेज में एक क्लास भी नहीं चलने दूंगा। अभी सख्तवादी जम्मू यूनिवर्सिटी और जीडीसी कॉलेज के प्रिंसिपल को है 72 घंटे का टाइम देता हूँ, जाओ तो इन बच्चों को अंदर क्लास के अंदर ले लो, नहीं तो एक भी क्लास सांबा के अंदर नहीं चलेगी। मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये तमाम छात्र आरोप लगा रहे कि रसूखदार लोग जो उनके बच्चों को एडमिशन यहाँ पर मिल रहा है, तो फिर इन तमाम बच्चों के साथ भेदभाव? सर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हमारे चाहे सांबा के यहाँ पे लोकल टीचर भी लगे हैं, चाहे बाहर के भी हैं, आउटसाइडर भी हैं, जहाँ पे जान पहचान वालों को बड़ी जल्दी एडमिशन मिल जाती है। आज तक कॉलेज का एक स्टाफ का भी बंदा बोल दे कि कभी लकी संभ्याल ने पर्सनली एक बच्चे की एडमिशन करवाई हो, अगर एक भी टीचर मेरे पर एलिगेशन लगाता है, मैं आज के बाद जीडीसी कॉलेज सांबा में नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कॉलेज में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो कि जहां पे सिफारिश में एडमिशन देते हैं, जान पहचान वाले लोगों को भी देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं गुजारिश करूंगा कहीं इस कॉलेज के अंदर कोई साजिश तो नहीं चल रही। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस कॉलेज के बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भेजने की कोशिश की जा रही है। ये बच्चे जो खड़े हैं हमारे भाई बहन है सर, ये सभी हमारे ही है, ये इधर कॉलेज में आते हैं, इनका मैरिट लिस्ट में नंबर आया सर, इनको ये अपना एडमिशन कराने के लिए आते हैं सर, इनको एडमिशन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है सर एडमिशन? क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? अनपढ़ आए हैं, 12th क्लास इन्होंने पास की है, परसेंटेज तो देखो इनकी, फिर करो बात। इन्होंने सर कोई एडमिशन नहीं दी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, मेरा दोस्त है एक, उसके पिता मतलब पापा की उसकी डेथ हो गई सर, उसके मैरिट लिस्ट में नंबर आया, जब वो एडमिशन यहाँ करवाने आता है सर उसको एडमिशन नहीं मिलती। सर वो एडमिशन अपने पापा को, जब उसकी डेथ हुई तो सर वो उसको पापा को जलाने के लिए जाएगा, एडमिशन कराने के लिए आएगा यहाँ पे? सर काफ़ी सारी मजबूरी बन सकती है बच्चों के लिए सर। इनको सभी एक किसी हाई लेवल के पॉलिटिकल सर सभी इधर आ रहे हैं, पॉलिटिकल के बच्चे 2 मिनट में एडमिशन करा के जा रहे हैं, हमने कहाँ पे जाना, हमारी बहन भाई कहाँ पे जाएंगे सर? एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, फर्स्ट सेम को एडमिशन दो। तानाशाही नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? एडमिशन दो, एडमिशन दो, फर्स्ट सेम को एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, फर्स्ट सेम को एडमिशन। जीडीसी कॉलेज मुर्दाबाद, जीडीसी कॉलेज मुर्दाबाद, जीडीसी कॉलेज मुर्दाबाद, जीडीसी कॉलेज मुर्दाबाद। एडमिशन दो, एडमिशन दो, फर्स्ट सेम को एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो, फर्स्ट सेम को एडमिशन दो। तानाशाही नहीं करेगी, तानाशाही। मैं इस टाइम जीडीसी सांबा में मौजूद हूँ और जो शुरुआत में तस्वीरें आपने देखी प्रदर्शन की, ये तमाम वो बच्चे हैं जो फर्स्ट सेम में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन इनको एडमिशन जीडीसी सांबा में फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिल रही, जिसको लेकर आज यहाँ पर बवाल देखने को मिला। यहाँ पर तमाम ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें एडमिशन चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम प्रदर्शन करेंगे। और बताया जा रहा है कि इन तमाम छात्रों का नाम भी लिस्ट में आया लेकिन उसके बावजूद भी एडमिशन नहीं दी जा रही और तमाम आज ये छात्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और उसी के साथ साथ इनकी सपोर्ट में सांबा के सोशल एक्टिविस्ट लकी संभ्याल हैं जो पहले भी इन तमाम युवाओं की आवाज़ को आगे लेकर गए हैं और कई मसलों का हल भी करवाया। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, इन छात्रों से भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या कारण है जो जीडीसी सांबा की बात करें, कॉलेज प्रबंधन की बात करें, तो उनकी तरफ से एडमिशन इनको नहीं दी जा रही। मैं पूरा मामला जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, आप तमाम छात्र फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं और बताया जा रहा है कि लिस्ट में नाम भी आया लेकिन आपको एडमिशन नहीं दी जा रही, क्या कारण, क्या चीज़ें सामने आई हैं जिसको लेकर आपने प्रबंधन से भी बात की, क्या उनकी तरफ से कहना है? सर, सर मेरा नाम अविनाश है और मैं इधर मंडी पुशवालिया का रहने वाला हूँ, ये हमारे बड़े भैया लक्की भैया। सर बात कुछ ऐसी है कि ये बच्चे जो खड़े हैं हमारे भाई बहन हैं सर, ये सभी हमारे ही है, ये इधर कॉलेज में आते हैं, इनका मैरिट लिस्ट में नंबर आया सर, इनको ये अपना एडमिशन कराने के लिए आते हैं सर, इनको एडमिशन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है सर एडमिशन? क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? अनपढ़ आए हैं, 12th क्लास इन्होंने पास की है, परसेंटेज तो देखो इनकी, फिर करो बात। इन्होंने सर कोई एडमिशन नहीं दी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, मेरा दोस्त है एक, उसके पिता मतलब पापा की उसकी डेथ हो गई सर, उसके मैरिट लिस्ट में नंबर आया, जब वो एडमिशन यहाँ करवाने आता है सर उसको एडमिशन नहीं मिलती। सर वो एडमिशन अपने पापा को, जब उसकी डेथ हुई तो सर वो उसको पापा को जलाने के लिए जाएगा, एडमिशन कराने के लिए आएगा यहाँ पे? सर काफ़ी सारी मजबूरी बन सकती है बच्चों के लिए सर। इनको सभी एक किसी हाई लेवल के पॉलिटिकल सर सभी इधर आ रहे हैं, पॉलिटिकल्स के बच्चे 2 मिनट में एडमिशन करा के जा रहे हैं, हमने कहाँ पे जाना, हमारी बहन भाई कहाँ पे जाएंगे सर? ये
तो इसी बात पे सर आगे हमारे लक्की भैया बताएंगे आपको। मैं आगे जाने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ लीडर्स के बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सबके सामने सर आती है, गाड़ियां आती है यहाँ पे, बच्चे आते हैं जो ठाड़ में आते हैं, हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो ऐसे बैठे रहते हैं, इनको इनका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देते रहते हैं कि कब करेंगे एडमिशन, कब करेंगे, वो ऐसे गाड़ी से उतरते हैं सर, दो मिनट में एडमिशन करा के चले जाते हैं। हमने नहीं बोलना सर, हमारे भाई बहन भी हैं सर एडमिशन कराने के लिए, उनको एडमिशन नहीं मिल रही सर यहाँ पे। तो प्रबंधन आगे जो प्रिंसिपल है यहाँ के वो क्या कहते हैं, आपने इस बात को हाईलाइट किया उनके साथ? हाँ बिल्कुल सर, एक दिन बच्चा आ रहा है, दूसरे दिन बच्चा आ रहा है, हम उनको बोल रहे हैं कि सर कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है जम्मू यूनिवर्सिटी से बोलो उनको, करो एडमिशन फॉर्म सर, इन्होंने फॉर्म फिल मतलब ओपन किए थे जो अभी सर जिनके एडमिशन फॉर्म रह गए थे, सैटरडे को सर ये फॉर्म फिल हो रहे थे, संडे को सर खत्म हो गए, बच्चों को सर पता भी नहीं चल रहा है कि कब फॉर्म ऑन हुए कब बंद हुए। तो सर इसी बारे में हमारे आगे लक्की भैया बताएंगे। मैं लक्की से भी जानने की कोशिश करूंगा, आपसे भी जानूंगा सबसे पहले, क्या कहेंगे आप छात्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिल रही? सर मैं फर्स्ट सेम की एडमिशन कराने सैटरडे को आया, सैटरडे को आया तो इन्होंने कहा कि मंडे को आओ, मैं 12:30 बजे आया, 12:30 बजे तक खत्म हो गया था, तो इन्होंने कहा मंडे को आओ, मंडे को भी मैं आया तो इन्होंने कहा ट्यूसडे को आओ, ऐसे ही करते करते वेडनेसडे थर्सडे हो गया, तो फिर हमारी एडमिशन नहीं हो रही। मैं प्रिंसिपल सर के पास भी गया, उन्होंने कहा कि अब एडमिशन नहीं होगी। कोई कारण बताया उन्होंने? सर कारण कोई नहीं बताया, कोई सर नहीं यही बताया। कहा कि एडमिशन नहीं होगी आपकी, एडमिशन नहीं होगी। बिल्कुल कारण नहीं बताया गया, लेकिन इनको कहा गया कि एडमिशन आपकी नहीं होगी। लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, हमेशा से बात आपने उठाई भी है, कई मसले भी हल हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस मसले को लेकर जो आज बवाल यहाँ पर मचा है फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन को लेकर, जो एडमिशन इन तमाम छात्रों को नहीं मिल पा रही है, और कोई बताया जा रहा है कि कारण भी अंदर से नहीं बताया जा रहा? कारण मैं बिल्कुल ऋषि जी आपको क्लियर कर दूँ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके मीडिया बंधुओं का, आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया। ऋषि जी कारण आपको भी पता है, पिछली बार भी 2019 में कॉलेज में बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, तब भी हमने आपको बुलाया था, तब भी मैंने बच्चों के लिए आवाज़ खड़ी की थी, फिर जाके इनको एडमिशन मिल गई थी। 2020 में भी वही चीज़ हो रही है, 2021 में भी वही चीज़ हो रही है, और 2022 में भी वही चीज़ हो रही है। कॉलेज का कहना है कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है बच्चों को बिठाने के लिए, हमारे पास जो कॉलेज के अंदर कैपेसिटी है वो 800 बच्चों की है। सर मैं आपको रिटर्नली लिख के देता हूँ, अभी भी 800 बच्चों की एडमिशन फर्स्ट सेम की नहीं हुई होगी। पिछले साल कोविड रहा तो हमने यहाँ पे आवाज़ उठाई, आप ही के मीडिया के माध्यम से उठाई, यहाँ पे इन्होंने पिछले साल भी बोला हमारे यहाँ पे 800 एडमिशन हुई है, कोविड के टाइम हमने 600 एडमिशन और करवाई, जहाँ पे टोटल बच्चों की जो कैपेसिटी है वो 1200 के करीब है बैठने की। अभी भी आप चेक करो, रिटर्नली चेक करो, 800 के करीब यहाँ पे एडमिशन नहीं हुई है। अभी भी मेरे ज़्यादा युवा नहीं है, मात्र 200 स्टूडेंट बाकी बचा हुआ है। कॉलेज का कहना है कि हम इनको कैसे बिठाएं यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि सर आप इनको नीचे बिठा दो, कॉलेज के बाहर कहीं ग्राउंड पे बिठा दो, इनकी क्लासेस चला दो, ताकि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो ख़राब ना हो। हमारी बिल्कुल जायज़ डिमांड है बच्चों के लिए, अगर कॉलेज प्रवक्ता खुद देखता इस बात को, लिहाज करता, जैसे प्रिंसिपल सर ने एक बात और बोली कि अगर मैं इन बच्चों की यहाँ पर एडमिशन ले भी लेता हूँ तो बच्चे गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, मैंने उनको ये बात बोली, ये बच्चे गर्मी में भी बैठ जाएंगे, लेकिन आप इनको सिर्फ क्लास के अंदर बिठा दो, एडमिशन दे दो। सर 200 बच्चों में से अभी भी 70 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है, उसके बावजूद भी एडमिशन नहीं हो रही। 70 और 200 में से 70 जो एडमिशन इनकी ऑलरेडी हो चुकी है, पीछे बचता है 130 बच्चा जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, जिसका मैरिज 65-70 के बीच में है। अगर इन बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ 70% नंबर भी लिए हैं, अगर इन बच्चों का एक साल बर्बाद हो जाएगा तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही बड़ी नलायकी है। और मैं साफ लफ्जों में सांबा जीडीसी कॉलेज के प्रिंसिपल को ये चेतावनी देता हूँ, अगर मेरा एक भी बच्चा इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाया, मैं पूरे के पूरे कॉलेज को वाइकआउट कर दूंगा और पूरे कॉलेज में एक क्लास भी नहीं चलने दूंगा। अभी सख्तवादी जम्मू यूनिवर्सिटी और जीडीसी कॉलेज के प्रिंसिपल को है 72 घंटे का टाइम देता हूं, जाओ तो इन बच्चों को अंदर क्लास के अंदर ले लो, नहीं तो एक भी क्लास सांबा के अंदर नहीं चलेगी। आखिर में जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये तमाम छात्र आरोप लगा रहे कि रसूखदार लोग जो उनके बच्चों को एडमिशन यहाँ पर मिल रहा है, तो फिर इन तमाम बच्चों के साथ भेदभाव? सर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हमारे चाहे सांबा के यहाँ पे लोकल टीचर भी लगे हैं, चाहे बाहर के भी हैं, आउटसाइडर भी हैं, जहाँ पे जान पहचान वालों को बड़ी जल्दी एडमिशन मिल जाती है।
आज तक कॉलेज का एक स्टाफ का भी बंदा बोल दे कि कभी लकी संभ्याल ने पर्सनली एक बच्चे की एडमिशन करवाई हो। अगर एक भी टीचर मेरे पर एलिगेशन लगाता है, मैं आज के बाद जीडीसी कॉलेज सांबा में नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कॉलेज में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो कि जहां पे सिफारिश में एडमिशन देते हैं, जान पहचान वाले लोगों को भी देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं गुजारिश करूंगा कहीं इस कॉलेज के अंदर कोई साजिश तो नहीं चल रही। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस कॉलेज के बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भेजने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो ये कुछ आरोप भी लगाए हैं, कुछ एक बच्चियां भी यहाँ पर, आपसे भी जानना चाहूँ, कहाँ के रहने वाले बेटा? मैं सुहागपुर में रहने वाली हूँ, मेरा नाम सिया है। मेरिट लिस्ट में नाम है? यस सर। उसके बाद भी एडमिशन नहीं मिला? नहीं दे रहे हैं। आपने अंदर जाकर पता किया? सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, रोज पूछते हैं, रोज बोलते हैं कि नहीं होगी नहीं होगी, आप अपना फॉर्म ले जाओ बाहर, अगर होगी तो सब बच्चों की, नहीं होगी तो ये वही होंगी जो लिस्ट में नंबर आए हैं, जो अभी चल रही हैं लिस्टें। हाँ जी, और ना ही एडमिशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं जाओ घर पे। तो आपका अब एक साल भी बर्बाद हो सकता है? जरूर सर हो सकता है, अगर एडमिशन नहीं देंगे तो हम फिर कहाँ लेंगे एडमिशन, ये भी नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा, कहाँ जाना। अब क्या मैसेज आपका रहेगा जम्मू यूनिवर्सिटी को और कॉलेज प्रबंधन? हम अब जीडीसी को पूरा ही हम बंद कर देंगे, अगर ये एडमिशन नहीं देंगे पूरे रोड क्रॉस हम बंद कर देंगे। बिल्कुल, ये तमाम छात्रों ने यहाँ पर एक चेतावनी भी दे दी है कि अगर हमारी एडमिशन नहीं हुई तो हम रोड भी ब्लॉक कर देंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो ये तमाम छात्र हैं, इनको एडमिशन नहीं मिल पा रही, बताया जा रहा है कि मेरिट में नाम भी है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी इनको एडमिशन नहीं दी जा रही, कुछ कारण जो वो कॉलेज प्रबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह कि क्या कुछ चीजें सामने आती है, हालांकि बात तो करने की कोशिश जो वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉलेज की है उनसे की जा रही है, देखने कि क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये कुछ 200 के आसपास ऐसे छात्र थे जिनको एडमिशन जो वो नहीं दिया जा रहा, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, कुछ इसमें से कुछ 70 के आसपास के बच्चों का, उनको भी एडमिशन नहीं मिल पा रही। और सीट अरेंजमेंट्स को लेकर भी कहा जा रहा है कि इतनी वैकेंसी हमारे पास थी वो फुल हो चुकी है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कुछ वैकेंसी है जिसको अभी भी भरना बाकी है, लेकिन रसूखदार लोग जो है वो अपने बच्चों के एडमिशन करवा कर चले जाते हैं, उनको किसी तरह का कोई जो वो मना नहीं किया जाता। अब ये क्या चीज़ें कितनी सच है, कितना इनमें जो वो सच है, ये भी कहीं ना कहीं पता करना होगा। हम उम्मीद आपसे भी करेंगे कि आप इन तमाम प्रबंधन से बात करेंगे और एक जो हल है मसले का जरूर निकालेंगे ताकि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो खराब ना हो। तो ये बवाल जो ये आज जीडीसी सांबा में देखने को मिला, यानी पंडित प्रेमनाथ डोगरा कॉलेज जो जिला सांबा का है, सांबा हेडक्वार्टर का डिग्री कॉलेज, यहाँ पर ये हंगामा देखने को मिल रहा है तमाम फर्स्ट ईयर के छात्रों का जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिल रही। अलग अलग तथ्य, अलग अलग कारण जो बताए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह कि क्या इनका समाधान आने वाले दिनों में होगा या नहीं। अगर नहीं होता तो इनकी तरफ से कहना है कि हम यहाँ पर बड़े स्तर पर एक उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के।